तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ बैगन। फ्रेंड्स, ये चोखा के लिए मैंने बैगन भुना हुआ है जो कि एकदम से पक गया है, देख सकते हैं आप लोग, अभी गरम गरम ही है। और फ्रेंड्स, इधर मैंने बना के रखा है सत्तू, जो कि आज मेरे यहाँ लिट्टी चोखा बनने जा रहा है। तो इसका ये मसाला है जो लिट्टी में डालते हैं, घाटी लिट्टी जो भी बोलें, तो ये जो है हमारे इधर बनता है। फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे धनिया पत्ता, हरी मिर्ची, सारी चीज़ें, लहसुन प्याज जो भी होता है, मैंने सारा मसाला डाल के और जो है इसका रेडी कर लिया है। तो चलिए आगे का बताते हैं। फ्रेंड्स, इधर मैंने आटा भी लगा लिया है। देखिए आटा थोड़ा सा ना इसका टाइट सा आटा होता है और ज़्यादा है, देखिए उंगली नहीं जा रही इसमें ना, टाइट सा आटा बनता है इसका। और अभी मैं बनाऊँगी इसका। और इधर मैंने जो है धनिया, लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची को कूट लिया है, क्योंकि मेरे यहाँ ना काट के नहीं खाते हैं। और इधर आलू भी बॉईल हो गया, आलू बॉईल हो रहा है, आलू जो है चोखा बनेगा, आलू टमाटर और बैंगन का चोखा बनेगा। फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बनता है, मैंने कई बार बनाया है, कई वीडियो में लिट्टी चोखा बनाया हमारे यहाँ। और इधर मेरा भाई जा रहा है तो उसके लिए मैंने ड्यूटी जा रहा है तो उसके लिए मैंने सब्जी और रोटी बना दिया है, क्योंकि ये बनने में थोड़ा टाइम लगता है, आग पे बनेगा अच्छा लगता है, स्पेशल बनता है, तो इस वजह से। और चलिए जैसे जैसे मैं तैयारी करूंगी वैसे वैसे आप लोगों को दिखाती रहूंगी कि कैसे हो रहा है। तो पहले यहाँ पे हम चोखा रेडी कर लेते हैं, उसके बाद जो है उधर जाएंगे अपना लिट्टी बनाने के लिए, जो कि मैं पीछे बनाऊंगी, और भाई के लिए अपनी रोटी बना देती हूँ। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये ऐसे बनता है, देखिए यहाँ पे मैंने चार पाँच बना भी लिया है। और ये जो है बना रही हूँ ऐसे करके ना, जैसे पूरन पूली का होता है ना, वैसे ही बनता है। और ये देखिए मैंने इतना बना लिया है, तो और भी बना लूँगी इसको, और बहुत ही अच्छा लगता है। ये पूरा बना लेते हैं, उसके बाद जो है ऐसे करके ना, जैसे पूरन पूली का बनता है। फिर तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारा बन गया है, ये यहाँ पे बन गया चोखा। और कच्चा तेल डाला है, अभी इसमें टमाटर डालना है तो इसलिए मिक्स नहीं की हूँ, सरसों का कच्चा तेल ही पड़ता है, बहुत टेस्टी लगता है ये वाला। ले लिया दो टमाटर और इसको चलते हैं आग पे पकाने। इसको जो है आग पे पकाने और देवा शोर मचाते हुए जा रहा है। यहाँ पर पति देव कर रहे हैं तैयारी आग जलाने की। देखिए यहाँ पे आग जलाएंगे और इसके ऊपर जो है बनेगी लिट्टी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आग जलाएंगे और इसमें है कोयला, और वो आप देख सकते हैं दिमाग लगाते हुए पति देव यहाँ पे आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोयला वाला निकालिए तब ना होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आग जलाने के चक्कर में धुआं धुआं हो चुका है, और आंखें जो है एकदम हमारी जो है फूट चुकी हैं धुआं धुआं से। फिर भी जो है हम दोनों लोग लगे हुए हैं जोरों शोरों से, ताकि हो जाए हमारा काम। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये घाटी जो है एकदम बढ़िया पक गई है लिट्टी, और खूब बढ़िया से पक रहा है। हम जाली के ऊपर रख के, और कोयला जो है इसके नीचे है, और कोयला बहुत तेज़ है, देखिए कितनी अच्छे से सीख रहा है। और खाली वाली भी मैं बनाई हूँ, खैर वीडियो मैंने कई बार डाला है अपने चैनल पे, इसको तल के भी बनाती हूँ, वो भी डाल रखा है, और प्लेन वाले भी डाल रखे हैं, और ये तो भर के ही बनाया है तो ये भी डाल दिया मैंने। लेकिन देखिए कितने अच्छे से सीख रहा है, और बहुत टेस्टी लगता है ये आग पे सीखा हुआ जो होता है ना, ये बहुत ही टेस्टी और सुंदर लगता है खाने में ना। तो मैंने एक्स्ट्रा ही बनाए हैं ताकि सुबह नाश्ते वगैरह में भी काम आता है, चाय के साथ ना बहुत अच्छा लगता है, गर्म गर्म चाय बना लो और ये ले के खाओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग लेके खाने बैठ गए हैं, बहुत टेस्टी बना है, टेस्टी बना है जी। और आजकल के बच्चों को तो खाने आता नहीं है, देवा को समझ में नहीं आ रहा है कैसे खाएं, खा रहा है। और शांतनु की थोड़ी तबीयत आज खराब सी लग रही है, और मैंने लिट्टी चोखा बहुत बार वीडियो डाला है तो इसलिए पूरी वीडियो नहीं डाली हूँ, आज मैंने बस थोड़ा ही बनाया है, और बहुत टेस्टी यम्मी लगता है। टाइम तो लग गया लेकिन खाने में उतना ही मज़ा आता है, खा के मज़ा आ जाता है, बस उस पर घी लगाइए और खाइए। कई बार मैंने दिखाया, वीडियो में भी दिखाया, पूरी भी वीडियो की रेसिपी भी बना के अपनी वीडियो में दिखाई हूँ, और बहुत ही अच्छा ये लगा। तो शांतनु नहीं खाया, उसको सुबह चाय वाय के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है, चाय के साथ भी खा लो। और इसको खाली भी बना के मैंने दिखाया कि खाली भी बनता है, ये खाली बना के बोल क्या मम्मा पॉज, रुक जाइए मत बनाइए वीडियो, देख रहे हैं उसकी उसका वो चल रहा है ना उधर आईपैड में, तो इस वजह से कह रहा है कि मम्मा पॉज मत बनाओ वीडियो। बेटा दोपहर चलिए आराम से खाकर।